Hello everyone, welcome to our YouTube channel Agriculture and GK. Myself Shivangi, and today we will going to discuss about the Nagaland University MSc Agriculture Entrance Exam previous year solved paper 2019. जो आज के सेशन में हम सारे जो आए थे क्वेश्चन 2019 के एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम नागालैंड यूनिवर्सिटी के उनको हम देखेंगे, ठीक है, इन अ वन लाइनर वे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. तो स्क्रीन पे जो सबसे पहला क्वेश्चन विजिबल है वो है आपका अबाउट लूज मस्ट. तो लूज मस्ट डिजीज ऑफ वीट इज, लूज मस्ट डिजीज जो है वीट की वो क्या है, तो ये एक इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है. ओके, नेक्स्ट है आपका मनटेक डिजीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाई. जो मनटेक डिजीज है राइस का वो किसके द्वारा होता है, तो मनटेक डिजीज जो है राइस का वो आपका राइस रूट निमेटोड की वजह से होता है. देन आता है आपका एलो लीव्स ऑफ टी अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ सल्फर, यानी कि जो एलो लीव्स ऑफ टी है वो किसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है, तो राइट आंसर जो है इसका वो है सल्फर, क्योंकि ये सल्फर की डिफिशियंसी की वजह से होती है. देन है आपका अगला क्वेश्चन जो है डाई बैक ऑफ सूट अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, जो डाई बैक ऑफ सूट हो जा सूट है वो किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है, तो ये होता है आपका कॉपर की वजह से. नेक्स्ट है डाई बैक इज द मेजर डिजीज ऑफ रोज इन इंडिया, ठीक है, तो ये बता रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इससे रिलेटेड कि डाई बैक जो है वो मेजर डिजीज़ है रोज इंडिया की, यानी कि जो बेसिकली ये रोज़ में पाई जाती है और ये मेजर डिजीज़ है. ओके, नेक्स्ट है क्रॉप सोइंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू निमेटोड, जो क्रॉप है जो सो करती है मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू निमेटोड वो कौन सी है, तो वो है मैरीगोल्ड. मैरीगोल्ड की जो क्रॉप है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस सो करती है निमेटोड के एस्पेक्ट में. ओके, अगला जो है हमारा फिर वो आ जाता है आपका लेट ब्लड डिजीज. जो लेट ब्लड डिजीज है वो बेसिकली डिस्ट्रॉय द पोटैटो क्रॉप ऑफ आयरलैंड इन इंडिया. तो बेसिकली जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि जो लेट ब्लाइट डिजीज है वो डिस्ट्रॉय करी थी कब, पोटैटो क्रॉप को आयरलैंड में, कब, 1845 में, ठीक है. देन है नेक्स्ट जो है फादर ऑफ पैथोलॉजीज, जो फादर है पैथोलॉजी के उनको किसको कब बोला जाता है, तो जो एंटोन डे बेरी थे वो आप कहे जाते हैं फादर ऑफ पैथोलॉजी, ठीक है. उसी तरह अगर बात करें फादर ऑफ माइकोलॉजी की, हु इज़ द फादर ऑफ माइकोलॉजी, सो पी ए माइकेली इज द फादर ऑफ माइकोलॉजी. ओके, देन नेक्स्ट वन इज अ लाइफ साइकिल ऑफ वीट रस्ट इज गिवन बाई, जो लाइफ साइकिल है वीट रस्ट की वो किसने दिया था, तो इसको दिया था केसी मेहता जी ने. ओके, नेक्स्ट वन इज अ टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको इज कॉज्ड बाई, जो टॉप सिकनेस होती है टोबैको की वो किसकी वजह से होती है, तो ये होती है आपकी बेसिकली ये डिफिशियंसी ऑफ बोरान की वजह से होती है. तो अगर बोरान की डिफिशियंसी हो जाती है तो जो टबेको है उसमें टॉप सिकनेस देखने को मिल सकता है. ओके, नेक्स्ट वन इज द पैथोजन एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ बॉर्डियस मिक्सचर इज, जो बॉर्डियस मिक्सचर है उसकी डिस्कवरी किस पैथोजन से एसोसिएटेड है, तो यह है प्लाज्मोफोरा विटिकोला से एसोसिएटेड है. तो यहाँ पे आपका ये कुछ क्वेश्चन हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो है आपका लूज स्मट ऑफ वीट कैन बी कंट्रोल्ड बाई सीड ट्रीटमेंट ऑफ वाइट वैक्स, तो जो लूज स्मट है वीट का वो किससे कंट्रोल किया जाता है, वो वेटावैक्स से कंट्रोल कर लिया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज अ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम इन, जो लेट ब्लाइट पोटैटो है वो इंट्रोड्यूस कब हुआ था इंडिया में और कहाँ पे, तो ये आपका नीलगिरी हिल्स पे देखने को मिला था. नेक्स्ट वन इज अ ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाई, जो ब्लैक हर्ट है पोटैटो का वो किसकी वजह से होता है, तो ये पुअर वेंटिलेशन अगर हो जाता है, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर हो जाता है थ्रू आउट द स्टोरेज, तो वहाँ पे ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो देखने को मिलता है. ओके, नेक्स्ट वन इज द टुंडू डिजीज ऑफ वीट इज यूजली एसोसिएटेड विथ निमेटोड नोन एज, जो टुंडू डिजीज है जो वीट की बेसिकली वो एसोसिएटेड होती है निमेटोड से, जिसको हम बोलते हैं एंजूनिया ट्राइटिसिस. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका सॉरी ऑप्शन नहीं यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एंजूनिया ट्रिसिस. ओके, नेक्स्ट वन इज अ
उदाबत्ता डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू, जो उदाबत्ता डिजीज होती है राइस की वो आपके किसकी वजह से होती है, तो ये होती है आपकी एफेलिस ओराइजी की वजह से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है रिंग रस्ट ऑफ ओनला इज कॉज्ड बाय, जो रिंग रस्ट है ओनला का वो किसकी वजह से होता है, तो रिंग रस्ट जो है ओनला का वो आपका रेवेनेलिया इम्बेलिका वर फ्रक्टोइड की वजह से होता है। नेक्स्ट वन है फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, फ्लैग स्मट जो होता है व्हीट का वो आपका होता है एरोग्राइटिस जर्मिनी ग्रैमिनी की वजह से, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यूरोसाइटिस ग्रैमिनी। ओके नेक्स्ट वन इज अ लीफ कर्ल डिजीज ऑफ टबैको इज कॉज्ड बाय वायरस एज इट इज ट्रांसमिटेड बाय, जो लीफ कर्ल डिजीज है टबैको की वो वायरस की वजह से होती है, और ये किस से ट्रांसमिटेड होता है ये वायरस, तो ये जो वाइट फ्लाई होती हैं उनसे ट्रांसमिटेड होता है। नेक्स्ट है आपका लीफ ब्लाइट ऑफ कॉटन इज कॉज्ड बाय, लीफ ब्लाइट जो है कॉटन का वो किसकी वजह से होता है, तो ये होता है आपका अल्टरनेरिया माइक्रोस्पोरा की वजह से। देन है फादर ऑफ निमेटोलॉजी, फादर ऑफ निमेटोलॉजी जो है वो बस्टियन को कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज लुईस पाश्चर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बैक्टीरियम वाज डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरियम को किसने डिस्कवर्ड किया था, तो बैक्टीरियम वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। फंजीसाइड यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ स्मट इज, जो फंजीसाइड यूज होते हैं इन कंट्रोल ऑफ स्मट उसको हम बेटावैक्स भी बोलते हैं। ओके नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इज, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, तो ये है आपके एंटोन डी बेरे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सॉरी आंसर जो है वो आपका होगा एंटोन डी बेरे। ओके उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे जाएं तो वो है आपका बोर्डबैक्स मिक्सचर वाज डेवलप्ड बाय, जो बोर्डबैक्स का मिक्सचर था वो किसने डेवलप किया था, तो इसको डेवलप किया था पीएमए मिला मेलारडेट ने, तो यहाँ पे ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कॉमन निमेटिसाइड्स आर, कॉमन निमेटिसाइड्स में क्या क्या आते हैं, तो कॉमन निमेटिसाइड्स में आपका डीडी मिक्सचर 4-8 इथाइलिन ब्रोमाइड ये सारा आ जाता है। नेक्स्ट है सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, जो सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये आपका सिचुएटेड है हैदराबाद में। फर्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन थे, तो वो थे आपके HS पृथ्वी। इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल टर्म वाज क्वाइंड बाई, इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल टर्म किसने क्वाइंड किया था, तो ये किया था बैटलेट ने 1956। द टर्म पेस्ट मैनेजमेंट वाज गिवन बाई, पेस्ट मैनेजमेंट टर्म इज गिवन बाई द गीगर इन 1970। द ब्लड कलर ऑफ इंसेक्ट इज ग्रीन एंड येलो, एंड हनी बी बिलोंग टू द ऑर्डर ऑफ हाइमेनोपेट्रा, सो हनी बी बिलोंग्स टू द ऑर्डर ऑफ हाइमेनोपेट्रा। ओके नेक्स्ट वन इज अ एंटेमोलॉजी वर्ड वॉज टेकन फ्रॉम, एंटेमोलॉजी वर्ड वॉज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, एंड फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी इज विगलवर्थ, फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी इज विगलवर्थ। द फर्स्ट पेस्टिसाइड वॉज डिस्कवर्ड बाई मेलारडेट, सो फर्स्ट पेस्टिसाइड किसने डिस्कवर किया था, तो उसे किया था मेलारडेट ने। डी डी टी वॉज डिस्कवर्ड बाई जेडलर साइंटिस्ट, एंड फर्स्ट इंसेक्टिसाइड डिस्कवर्ड वॉज इज डी डी टी, जो फर्स्ट इंसेक्टिसाइड डिस्कवर्ड हुआ था वो था आपका डी डी टी। नेक्स्ट है प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन एक्ट वॉज पास्ड इन ईयर, यानी कि जो प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन एक्ट था वो कौन से ईयर में पास हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1912 में, ठीक है। फिर आता है आपका इंसेक्टिसाइड एक्ट वॉज पास्ड इन, तो इंसेक्टिसाइड एक्ट कब पास हुआ था, ये हुआ था 1968 में। एंड डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट वॉज पास्ड इन, तो जो डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट है वो कब हुआ था पास, तो वो हुआ था आपका 1914 में। मैक्सिमम परसेंट की अगर बात करें, मैक्सिमम परसेंट एज ऑफ इंसेक्टिसाइड इज यूज्ड इन विच क्रॉप, तो ये हुआ था होता है आपका कॉटन, इसका जो करेक्ट आंसर है। एंड वारफेरिन इज अ रोडेंटिसाइड, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड आर, जो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड की अगर बात करें तो ये आते हैं आपके DDT, मेलाथियन, एल्डरबैक, मोनोक्रेप्टॉन, एल्ड्रीन, ये सारे आपके क्या हैं, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। उसके बाद आता है आपका बायोपेप्सिन,
पेस्टिसाइड की बात अगर हो तो बायो पेस्टिसाइड की कैटेगरी में कौन आते हैं, तो बायो पेस्टिसाइड में आपके आते हैं एनपीवी, जीवी, बैसिलस थ्रिंजेंसिस, ये सारे आपके जो हैं बायो पेस्टिसाइड की कैटेगरी में आते हैं। पेस्ट पॉपुलेशन शुड बी केप्ड बिलो द इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, जो पोस्ट पेस्ट पॉपुलेशन अगर हम उसको बिलो रखते हैं तो ये इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कहा जाता है। वेरी सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड फॉर हनी बी के लिए जो वेरी सेफ इंसेक्टिसाइड है वो कौन सा है, तो वो है आपका इंडोसल्फोन। इंडोसल्फोन जो है वो वेरी सेफेस्ट क्या है, इंसेक्टिसाइड है इन केस ऑफ हनी बी। नेक्स्ट है रैट पॉइजन इज नोन है, जो रैट का पॉइजन है उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेड आर्सेनेट वॉज फर्स्ट यूज इन 1832 बाई मॉल्टन, तो जो लेड आर्सेनेट है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड फर्स्ट यूज किया गया था 1832 में मॉल्टन में, ठीक है। एगमार्क एक्ट वॉज इन फोर्स इन ईयर, एगमार्क जो है वो कब आया था, तो वो आया था आपका 1937 में। इन मिक्सड फार्मिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक टू ग्रॉस फॉर्म इनकम इज एट लीस्ट, ओके। देन इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इज ऑल्सो नोन एज, सो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन, and those product in which two product producer together are called joint product, if दो product जो है वो एक साथ produce हो रहे हैं तो उसको हम joint product बोलते हैं। Dumping activity is seen under, जो dumping activity होती है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये monopoly में देखने को मिलती है। Export Import Bank of India was set up in, Export Import Bank जो है इंडिया का वो कब सेटअप हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1 January 1982 में, ओके। देन है IRDP वॉज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ टू ईयर ऑफ, यानी कि IRDP वॉज कब, IRDP कब स्टार्ट हुआ था, तो IRDP आपका स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1980 में। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इज जीरो देन टोटल प्रोडक्शन इज, अगर मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो है तो टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, वो आपका मैक्सिमम होगा। नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, KVK इज ऑल्सो नोन है, जो नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ था इन द ईयर KVK इज ऑल्सो नोन एज फार्म साइंस सेंटर, इसको फार्म साइंस सेंटर के नाम से भी जानते हैं। KVK जो स्टार्ट हुआ था उसका ईयर था आपका 1974, ओके। ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन, जो ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1974 से लेके 1975 के बीच में। नेक्स्ट है लैब टू लैंड प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, जो लैब टू लैंड प्रोग्राम था वो कब स्टार्ट किया गया था, तो वो आपका 1979 फर्स्ट ऑफ जून को स्टार्ट किया गया था। नेशनल एग्री टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन, अगर नेशनल एग्री टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट की बात करें तो ये कब स्टार्ट किया गया था, तो ये आपका स्टार्ट किया गया था 1998 से 1999 तक, ओके। KVK वॉज रिकमेंडेड बाई, सो KVK जो है वो किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था, तो मनमोहन सिंह मेहता कमेटी के द्वारा 1974 में ये रिकमेंड किया गया था, ओके। नेक्स्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसको हम CDP भी बोलते हैं, वो आपका 1952 में स्टार्ट किया गया था। नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज की अगर बात करें तो ये कभी स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 1953 में, यानी कि जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज हैं वो स्टार्ट हुई थी 1953 में। फिरका डेवलपमेंट स्कीम वॉज लॉन्च अंडर द गाइडेंस ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज सेटअप बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर, सो फिरका डेवलपमेंट स्कीम वॉज लॉन्च अंडर द गाइडेंस ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड दिस इज लॉन्च इन द ईयर ऑफ 1970, ओके। नेक्स्ट वन इज HYVP वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, यानी कि HYVP कब स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका स्टार्ट हुआ था HYVP वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1966। देन मार्थंडम प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड बाई, सो मार्थंडम प्रोग्राम इज स्टार्टेड बाई द डॉक्टर स्पेंसर हैच इन 1921। सो स्पेंसर हैच ने मार्थंडम प्रोग्राम स्टार्ट किया था कब, 1921 में। इटावा पायलट प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड बाई मिस्टर अल्बर्ट मेयर इन सेप्टेम्बर 1948। तो इटावा प्रोजेक्ट जो है वो आपका मिस्टर अल्बर्ट मेयर ने स्टार्ट किया था, कब किया था, 1948 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंडियन विलेज सर्विसेज वॉज स्टार्टेड इन 1945, जो इंडियन विलेज सर्विसेज है वो स्टार्ट हो गई थी 1945 से, लेकिन इसको किया किसने था, तो भाई मिस्टर आर्थर टी मोर्सर एंड श्री BN गुप्ता, इन दोनों ने जो है इसको मिलके स्टार्ट किया था, किसको, इंडियन विलेज सर्विसेज को, ठीक है, कब, 1945 में।
देन है आपका द एम ऑफ इटावा पायलट प्रोजेक्ट इज, जो एम था क्या, किस एम को लेकर के इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया था। तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट का जो एम था वो था इंट्रोड्यूसिंग इंटेंसिव वर्क ऑन द रूरल रिकंस्ट्रक्शन फंड। तो इंटेंसिव वर्क करना था रूरल रिकंस्ट्रक्शन फ्रंट पे, तो यहाँ पे ये इसका पर्पस था। देन है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की अगर बात करें तो इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को हम और पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। देन आ जाता है आपका IRDP। IRDP कब लॉन्च हुआ था, तो IRDP आपका लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 1980 में। नेक्स्ट है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन, जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट है वो कब लॉन्च किया गया था, तो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट जो है आपका लॉन्च किया गया था January 1979 में। ओके नेक्स्ट है आपका TNV सिस्टम वॉज इवॉल्व इन, जो TNV सिस्टम है वो कहाँ पे इवॉल्व था, तो ये हुआ था आपका 1973 में बाई इजराइली एक्सपर्ट डेनियल बेनियर एट टर्की। ओके तो यहाँ पे जो आपका ये TNV सिस्टम है ये आपका इवॉल्व हुआ था कब, 1973 में, कहाँ पे, टर्की में, किसके द्वारा, इजरायली एक्सपर्ट डेनियल बेनर के द्वारा। ठीक है देन है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम TRYSEM भी बोलते हैं, ये आपका हुआ था 1979 में। देन है टोटल नंबर ऑफ KVK ऑपरेटिंग इन द कंट्री टिल December 2011, तो अभी तक जो है टिल दिसंबर 2011 तक जो टोटल नंबर ऑफ KVK ऑपरेटिंग थे वो क्या थे आपके, 600 नंबर थे। अंत्योदय योजना कब स्टार्ट हुई थी, अंत्योदय योजना वाज स्टार्टेड इन 2 अक्टूबर 1977, तो ये 1977 में 2 अक्टूबर को स्टार्ट की गई थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वाज स्टार्टेड इन ईयर ऑफ इन विच ईयर, सो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इज स्टार्टेड इन ईयर ऑफ 2001। ओके FCI वाज स्टार्टेड इन 1970, फिस्कल कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1949, दिस इज द सम एडिशनल पॉइंट। मल्टीपल क्रॉपिंग प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन, मल्टीपल क्रॉपिंग प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, तो मल्टीपल क्रॉपिंग प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1966। एंड फर्स्ट इरीगेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1901, यानी कि फर्स्ट इरीगेशन कमीशन जो है वो कब अपॉइंट किया गया था, वो किया गया था 1901 में। एंड फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज इस्टेब्लिश इन 1881, सो फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो आपका 1881 में क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। ओके द एक्सटेंशन वर्क मस्ट बी बेस्ड ऑन द, जो एक्सटेंशन वर्क है वो किस पे बेस्ड होना चाहिए, जो एक्सटेंशन वर्क मस्ट बी बेस्ड ऑन द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ पीपल, बिकॉज जब तक किसी की नीड और इंटरेस्ट नहीं है तब तक उस बेसिकली एक्सटेंशन प्रोग्राम जो एक्सटेंशन वर्क होते हैं वो इसके लिए ही होते हैं, क्योंकि जो अनट्रेंड पीपल हैं उनको ट्रेन किया जाए, और बेसिकली अनएजुकेटेड लोगों को, तो जब तक उनकी नीड और उनकी ज़रूरत से रिलेटेड और उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा वो क्यों इसमें पार्ट लेंगे। ठीक है नेक्स्ट वन इज अ फादर ऑफ एक्सटेंशन, किसे बोलते हैं, तो फादर ऑफ एक्सटेंशन इज वो जो जे पॉल लेगोन्स, तो जो जे पॉल लेगोन्स हैं इनको हम फादर ऑफ एक्सटेंशन भी कहते हैं। फादर ऑफ सोशियोलॉजी की अगर बात करें तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी इज अगस्त कॉम्टे जो है ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन, अगर नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो ये कब स्टार्ट हुआ था, ये आपका स्टार्ट हुआ था 2005 में। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ नेशनल ब्यूरेक्स आर, जो टोटल नंबर है नेशनल ब्यूरेक्स वो कितने हैं, वो हैं आपके 6। ओके फार्मूला ऑफ कोफिशियंट ऑफ वेरियंसिस, अगर हम कोफिशियंट ऑफ वेरियंस के फार्मूला की बात करें तो क्या होता है, तो वो होता है SD by mean into 100। ओके टी टेस्ट इज जनरली यूज, टी टेस्ट कब यूज़ किया जाता है, टी टेस्ट तब यूज़ किया जाता है जब आपका सैम्पल साइज जो होता है वो होता है कब, 30 से कम। द कोरिलेशन कोफिशियंट लाइज बिटवीन, जो कोरिलेशन कोफिशियंट होता है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, तो वो -1 से लेके +2 के बीच में लाई करता है। ओके देन आ जाते हैं द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन विच साइमल्टेनियसली कंट्रोल द वेरिएशन इन टू डायरेक्शन इज नोन एज LSD, जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है जो साइमल्टेनियसली कंट्रोल करती है वेरिएशन इन टू डायरेक्शन इज नोन एज, तो उसको हम बोलते हैं LSD। ठीक है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट इज रेप्लिकेशन रेंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल, तो जो बेसिक प्रिंसिपल है फील्ड एक्सपेरिमेंट की उसमें आपके क्या जाते हैं, रेप्लिकेशन रेंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल, ये तीनों क्या है आपके बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट में आते हैं।
नेक्स्ट है द टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरियंस वॉज डेवलप बाई, जो टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरियंस है वो किसके द्वारा डेवलप की गई थी, तो इसको डेवलप किया था आर ए फिशर ने, ठीक है। इफ फर्टिलिटी ग्रेडियंट ऑफ लैंड इज इन टू डायरेक्शन द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन विल बी, अगर फर्टिलिटी ग्रेडियंट ऑफ लैंड जो है वो टू डायरेक्शनल है तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कौन सी लगेगी, तो वो होगा आपका लैटिन स्क्वायर डिजाइन, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ कंट्रोल टेंडेंसी इज, द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ कंट्रोल टेंडेंसी जो है वो है आपका अर्थमेटिक मीन। देन है कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो नोन एज, जो कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम और क्या बोलते हैं, तो कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम ओग्यू भी बोलते हैं। द टर्म कर्टोसिस वॉज गिवेन बाई, अगर हम कर्टोसिस की बात करें तो ये टर्म जो है कार्ल पियर्सन ने दिया था। लैपलेस जो है यूज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लैपलेस जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है कब, एनालिसिस ऑफ एरर ऑफ एक्सपेरिमेंट का जब हमें करना होता है। द इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स आर इंट्रोड्यूस बाई, जो इम्पॉर्टेंट मेथड है लीस्ट स्क्वायर्स वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये किया गया था लिंगरडे इन 1805 में, ओके। नेक्स्ट है द नेम नेशनल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वॉज क्वाइंड इंडिपेंडेंटली बाई, जो नेम था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो कब कहाँ से कब क्वाइन किया गया था, तो वो और किसने क्वाइन किया था, तो ये था आपका प्रिसाइज गेल्टन एंड लेक्सिथ ने 1875 में। देन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको और क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ एरर, लॉ ऑफ फैसिलिटी या फिरल, लैप्सेस सैंकलॉफ लॉ एंड गसियन ला, ओके, ये सारा कुछ इसको बोलते हैं हम। फिर है आपका जनरलाइजेशन मीन इज ऑल्सो नोन एज, जो जनरलाइज है उसका मतलब और क्या होता है, तो यानी कि पावर मीन और होल्डर मीन इसको बोलते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज वाइडली यूज मेजर ऑफ, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो किसमें सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, तो वेरिएबिलिटी ऑर्डी पर्सन में यूज किया जाता है। द टर्म स्टैंडर्ड डेविएशन वॉज फर्स्ट यूज बाई, जो टर्म स्टैंडर्ड डेविएशन था वो सबसे पहले किसने यूज किया था, तो उसको किया था कॉल पियर्सन ने 1894 में। इफ मीन मीडियम एंड मोड इज इक्वल देन स्क्यूनेस विल बी, अगर मीन एंड मीडियम एंड मोड इज इक्वल रहते हैं तो उस टाइम पे स्क्यूनेस जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। देन आपका आ जाता है कोरिलेशन इज वेरी यूजफुल बिकॉज दे कैन इंडिकेट कोरिलेशन, क्या किस लिए बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि वो क्या करता है, प्रोडक्टिव रिलेशनशिप दिखाता है। विच एनोवा इज यूज व्हेन द एक्सपेरिमेंटर वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टू आर मोर ट्रीटमेंट वेरिएबल, कौन सा एनोवा यूज करते हैं जब हमें दिखाना होता है या फिर स्टडी करना होता है दो या उससे अधिक ट्रीटमेंट वेरिएबल को, तो उस केस में हम फैक्टोरियल एनोवा का यूज करते हैं। विच एनोवा इज यूज व्हेन द सब्जेक्ट आर सब्जेक्ट्स टू रिपीटेड मेजर इन विच द सम सब्जेक्ट आर यूज फॉर इस ट्रीटमेंट, तो उस टाइम पे हम टू वे एनोवा यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो होता है ना उसके रिपीटेड मेजर होते हैं और सेम सब्जेक्ट आर यूज फॉर इस ट्रीटमेंट, उस केस में टू एनोवा यूज किया जाता है। द कंप्लीटली रेंडमाइजेशन डिजाइन इज कंसिडर टू बी मोस्ट यूजफुल इन सिचुएशन वेयर द एक्सपेरिमेंटल यूनिट आर होमोजीनियस एंड द एक्सपेरिमेंटल आर स्मॉल एंड स्मॉल सच एज लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड सम एक्सपेरिमेंटल यूनिट आर लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड, ओके। देन है इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट द कॉमनली यूज डिजाइन इज, जो फील्ड एक्सपेरिमेंट के लिए अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे कॉमन डिजाइन यूज होती है वो है आपकी RBD, ओके। अगर चाई स्क्वायर टेस्ट की बात करें तो मिनिमल सैंपल साइज उसके लिए कितना होना चाहिए, तो मिनिमल सैंपल साइज जो है रिक्वायर्ड होता है चाई स्क्वायर टेस्ट के लिए होता है 50 से कम है तो उसमें चाई स्क्वायर टेस्ट नहीं लगता, ठीक है। देन आता है आपका डिफाइंड बायोमेट्री, अगर बायोमेट्री को डिफाइन करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो बायोमेट्री क्या है, इट डील विथ द ऑब्जर्वेशन विथ लिविंग थिंग, यानी कि ये ऑब्जर्वेशन किया जाता है लिविंग थिंग का, ये उससे डील करती है, तो यहाँ पे ये हो गया बायोमेट्री। नेक्स्ट है मीन मीडियन एंड मोड आर इक्वल, तो इसको क्या बोलेंगे, अगर ये इक्वल है तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर मीन मीडियम मोड जीरो है तो उसमें कोई स्क्यूनेस नहीं होगी, ठीक है। मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर इन डेटा सेट, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर होता है डेटा सेट का उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है मोड। द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ स्क्यूब्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज, अगर बात करें वेल नोन एग्जाम्पल की स्क्यूब्ड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो होता है आपका पर्सनल वेल्थ, ओके।
देन है हार्मोनिक मीन इज द, हार्मोनिक मीन की अगर बात करें तो क्या उसको, वो क्या है, हार्मोनिक मीन जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है अर्थमेटिक मीन के। अगर जेड टेस्ट की बात करें तो दिस टेस्ट इज ऑफ्टन यूज टू रेफर स्पेसिफिकली टू द वन सैंपल लोकेशन टेस्ट। ओके, टी टेस्ट इज ए पैरामेट्रिक टेस्ट। द गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज कैलमैग्रो सिमरॉन टेस्ट। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट गो इन टू द एस्टिमेशन ऑफ ए पैरामीटर इज कॉल्ड, तो इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। द टिपिकल सिंबल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज DF, एंड F टेस्ट वॉज क्वाइंड बाई ग्रेगर वी सेंडर इन ऑनर ऑफ सर रोनाल्ड ए फिशर। द टर्म वाटर हार्वेस्टिंग वॉज फर्स्ट यूज बाई मायरोस ने कब यूज किया था वाटर हार्वेस्टिंग का टर्म पहली बार। ओके, देन द फोर्स वर्किंग विद द अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टुवर्ड्स ईच अदर इज नोन एज, तो इसको हम बोलते हैं जो अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल का होता है टुवर्ड्स ईच अदर, उसको हम कोहेशन बोलते हैं। द फोर्स वर्किंग विद द अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टुवर्ड्स सॉलिड पार्टिकल, अगर सॉलिड पार्टिकल की तरफ यही होता है तो इसको हम अडहेशन बोलते हैं। वाटर हेल्ड टाइटली टू द सर्फेस ऑफ सॉइल पार्टिकल बाई एडजॉर्प्शन फोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, जो वाटर टाइटली जो है सर्फेस ऑफ सॉइल को एडजॉर्प्शन फोर्स से होल्ड करता है उसको हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। वाटर हेल्ड बाई फोर्स ऑफ सरफेस एज ए कॉन्टिन्यूस फिल्म अराउंड सॉइल पार्टिकल एंड इन कैपिलरी स्पेस इज नोन एज, इसको हम कैपिलरी वाटर बोलते हैं क्योंकि कैपिलरी स्पेस में रिमेन रहते हैं। कैपिलरी वाटर इज हेल्ड बिटवीन अ टेंशन ऑफ 31 एंड 1/3 एटमोसफियर। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस इन टू द सॉइल इज कॉल्ड, जो मूवमेंट होता है वाटर फ्रॉम द सर्फेस टू द सॉइल इसको हम इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। द वॉटर मूव्स फ्रीअली इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ड्रेन आउट द सॉइल इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो टर्म क्लियर हुए ना, अगर वो जाता है तो उसको इनफिल्ट्रेशन, और अगर वो फ्रीअली वो रिस्पॉन्स कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स पे एंड ड्रेन आउट हो रहा है आप सॉइल से तो इसको ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। द वॉटर बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज, जो वाटर अब होता है बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे उसको हम अवेलेबल वाटर बोलते हैं। और ड्रिप इरिगेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने प्रपोज किया था, वो किया था सिमचा ब्लास ने। तो ड्रिप इरिगेशन कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज बाय सिमचा ब्लास एंड 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर ऑफ इरिगेशन इज इक्वल टू द 12 लाख लीटर। ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया में क्या है, वो है वेल्स, जो होते हैं आपके 52% इरिगेशन ऑफ इंडिया को कवर करते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट जो है हमारा वो है विच इरिगेशन मेथड इज वाइडली यूज इन फ्रूट ऑर्किड, तो ये है आपका बेंड मेथड। बेंड मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है फ्रूट ऑर्किड में। तो ये था आज का हमारा सेशन, होप आपको ये सेशन बहुत हेल्पफुल लगा होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कोई भी अपना सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।